देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में कौन कौन से रास्ते रहेंगे बंद और क्या होगा रूट डायवर्जन का पूरा मैप, आज इन सभी बातों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। दो दिवसीय G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली में कड़ी व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है, जिसे परिंदा भी पर ना मार पाए। जी हां, आपको बता दें कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गूगल मैप पर भी आपको दिल्ली का रूट नहीं दिखाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप से भी बात कर रही है, ताकि उस दौरान अगर कोई नई दिल्ली के रास्तों के बारे में सर्च करे तो उसे ये रास्ते बंद मिले। वहीं नई दिल्ली के रास्ते कोई दिल्ली के किसी दूसरे इलाकों में जाना चाहता है तो उसे गूगल मैप पर वैकल्पिक मार्ग दिखाए जाए। यही नहीं, सम्मेलन के दौरान कई रास्तों को भी बंद किया जाएगा, जिसमें रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड मजनू कटीला, एम्स चौक, धौला कुआं, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, रिंग रोड, आजादपुर चौक बंद रहेंगे। दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रवेश और निकास की अनुमति होगी, लेकिन बाहर से आने वालों को विशेष पास की आवश्यकता होगी। तो वहीं प्रगति मैदान इलाके को नो एंट्री जोन में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। बात करें अगर दिल्ली मेट्रो की, तो मेट्रो सामान्य रूप से चलेगी, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जहां लोगों को बंद किए गए मार्गों की जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल मैप से भी उस दौरान प्रतिबंधित मार्ग को न दिखाने के लिए कहा गया है। इसलिए दिल्ली में आवागमन के लिए उस दौरान मेट्रो से यात्रा करना सबसे बेहतर विकल्प होगा। वीडियो के अंत में बताते चलें कि स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित गाड़ियों के आवागमन को जारी रखा जाएगा। वहीं जिले के स्थायी निवासियों और होटलों में ठहरे लोगों को वैध कागजात के साथ सशर्त आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। वहीं व्यवस्था 7 सितंबर की रात 12 बजे से 11 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। G20 के दौरान बंद किए जाने वाले रास्तों की जानकारी सोशल मीडिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।